हो साहब। नवाज शरीफ कल वापस आते हैं, गिरफ्तार होते हैं, हंगामे होते हैं, एहतजाज होता है। ओवरऑल कल के दिन को कैसे देखते हैं आप? गुज़िश्ता कल, मैं गुज़िश्ता कल को देख रहा हूँ कि जो हमारा दुश्मन भारत है उसने हमें 2 साल पहले धमकी दी थी और उस धमकी में उसने कहा था कि याद है बुरहान वानी का जो वाक़या हुआ था उस उन दिनों में कि हम पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसा देंगे, तो आपके डैम्स देख लीजिए अभी तक पानी से नहीं भरे, खाली पड़े हुए हैं और आपने अगला पूरा साल गुजारना है। और उसके बाद दूसरी धमकी उन्होंने दी थी कि हम आपको दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, हम दुनिया में आइसोलेट भी बहुत हद तक हो चुके हैं, अमेरिकन्स ने हमें आइसोलेट करने में कसर नहीं छोड़ी और वेस्ट तो बताया आपका सारा अमेरिका की चमचागिरी कर रहा होता है। और ये बातें जो हैं वो उनके मीडिया ने खुल के कहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं, और फिर इससे बढ़ के एक ख़तरनाक बात जो अजीत देवल ने की और वो बात ये थी कि हम पाकिस्तान के साथ ऑफेंसिव डिफेंस पे चले जाएंगे। अब ऑफेंसिव डिफेंस को उसने डिफ़ाइन किया कि हम इनके मुल्क के अंदर के मुआशी हालात ख़राब कर देंगे, तो हम मुआशी हालात की ख़राबी के करीब पहुंच गए हैं। और उन्होंने कहा कि हम इनके अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर देंगे, तो कल का दिन जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अपने अरूज पे नजर आया सियासी अदम इस्तेहकाम। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं जो भारतीय वज़रा जो है नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं जिनका नाम आपने लिया, वो क्या कहते आए हैं पाकिस्तान के बारे में, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी अप्रोच है, जरा एक झलक इसकी भी देख लीजिए। Then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their thing like that of exposing their terrorist activities, or it can be anything. Pakistan ko sabak sikhana hai, ek hi sabak sikha sakte hain ki pehli baar do tukda kiya, is baar char tukda karna hai, uske liye taiyari karni hai. ये महमूद साहब आपने सुना, तो जो आप बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली तवातर से मोदी हुकूमत ये बातें उनके वज़रा करते आ रहे हैं। अब मुझे जो हैरत होती है वो इस बात पे होती है कि हमारे जो मुक्तदर हलके हैं क्या वो कभी बैठ के इन चीज़ों को संजीदगी से लेते हैं या ये चीज़ें उनके नज़दीक अहम नहीं है? अगर नहीं अहम है तो भाई हम जो डरे हुए हैं हमें समझा दें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही के दाने में पहुँची हुई है, हम देख रहे हैं कि सियासतदान एक दूसरे की जान के प्यासे हुए हुए हैं, हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक जो खूनरेजी ख़त्म हुई थी बड़ी मुश्किल से, जिसके लिए फ़ौज ने बेपनाह कुर्बानियां दी, हमारा बड़ा जवान शहीद हुआ, हमारे ऑफिसर्स शहीद हुए, वो सारा काम जो है दोबारा रायगां हो रहा है और दहशतगर्दी की वो लहर शुरू हो गई है जिसकी प्रेडिक्शन उनके सुब्रह मुनीम ने की थी पिछले साल कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, हम भारत का कुछ नहीं कर सके। और सबसे ज्यादा मुझे ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ऊपर तले 3 दहशतगर्दी के वाकयात उन्होंने करा दिए हैं और अभी तक सैकड़ों अफराद की शहादत हो चुकी है और सैकड़ों जख्मी पड़े हैं, और हमारी गवर्नमेंट को इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि भारत की आंखों में आंखें डाल के घूर के उन्हें कह सके कि तुमने हमारे यहां जो दहशतगर्दी शुरू की है इसको बंद करो, पूरी दुनिया को जाके बता सकें कि दहशतगर्दी भारत कर रहा है इसे बंद कराएं। और हमारा मीडिया तो कहीं सियासत के अंदर महव हो चुका हुआ है, वो तो भारत का नाम लेना समझते गुनाह है कि अगर हमने इल्ज़ाम लगाया कि ये काम भारत करा रहा है। और किसने करानी है दहशतगर्दी? मैंने करानी है, आपने करानी है? तो आप श्योर हैं कि ये इसके पीछे भारत है, अमेरिका है? मुझे बताएं कोई डाउट है, कोई आयोटा ऑफ डाउट है हमें कि भारत है इसके पीछे? मैं आपको एक ट्वीट खान साहब ने किया है, वो कह रहे हैं कि जी बिगिनिंग टू वंडर व्हाई व्हेन एवर नवाज शरीफ इज इन ट्रबल देयर इज इंक्रीजिंग टेंशन अलोंग पाक बॉर्डर्स एंड अ राइज इन टेररिस्ट एक्ट, इज इट अ कोइंसिडेंस? अब देखिए माशाल्लाह
हम चाहते हैं कि हम कोई बहाना हमें मिले हम इमरान की तारीफ़ किया करें, और आपको पता है हम प्रोग्राम में बैठ के नीचे जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ खान साहब की तारीफ़ के काबिल निकल आए तो ले आएँ। हम उस पर आज ज़रा थोड़ा सा प्रोग्राम खान साहब की फेवर में भी करें। खान साहब इंतशार की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये क्यों उन्होंने ये ट्वीट किया इन सर्कमस्टांसिस के अंदर? मतलब ये वो टाइम है जब आंखें घूर के भारत को कहने की जरूरत है तू है इसके पीछे। ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ की वजह से हो रहा है, भारत उनकी सपोर्ट में आ रहा है और भारत जो आप जब नवाज शरीफ को साथ इंगेज करके कह रहे हैं तो आप अपने मुल्क की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो नवाज शरीफ को पसंद करती है आप उसको साथ अपने साथ नफरत पैदा करके कर रहे हैं, तो इख्तलाफात पैदा करके कर रहे हैं, क्यों नहीं आप सीधा अपने दुश्मन को हिट करते? देखिए अगर खान साहब वो एक जुमला नवाज शरीफ वाला ना डालते और बाकी भारत की डायरेक्ट कंडेमनेशन कर देते तो हम अंदर तो यकजा होते ना, हम अंदरूनी यकजहती को जो भारत के अजीत देवल ने कहा था कि हम इनके यहाँ पॉलिटिकली इंस्टेबल इनको कर देंगे, तो हम तो खुद पॉलिटिकली इंस्टेबल होने की तरफ गामजन हैं, उन्हें तो कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि खान साहब बहुत जल्दी लोगों की बातों पे बिलीव कर लेते हैं, उन्हें कोई बात खड़ा होकर कह दे जो भी जो कुछ कह दे वो बस उसको वेरीफाई करना जहमत नहीं करते, वो कहते चलो ठीक ही होगा। तो खान साहब के ज़्यादा इर्द गिर्द आपको पता है नौजवानों का मजमा होता है, तो नौजवान तो हिट करने का तंज करने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं, तो किसी बहाना ढूंढ के कहा होगा जी जब भी नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आता है दहशतगर्दी हो जाती है। भाई ये आपके इलेक्शन का वो टाइम है जब भारत ने पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ये बात सुब्रमुनीम ने, उनका नाम सुब्रमुनीम ही है ना, पिछले साल अक्टूबर में सितंबर में किसी टाइम कही थी ये बात, और उसने टाइम दिया था कि अगले साल अप्रैल तक हम तैयार हो जाएंगे और फिर वक्त आ जाएगा कि हमारी सेना वहाँ जाएगी। अल्लाह ना करे कि वो वक्त भी आए कि उनकी भारत की फ़ौज यहाँ तक आने की जिसारत कर सके, लेकिन अगर हम अंदर से उलझते रहेंगे अंदर से हम एक नहीं होंगे तो क्या दुश्मन को हम फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे या उसका नुकसान कर रहे होंगे या उसके लिए हम कोई सीसा पिलाई दीवार बने होंगे? ट्रू, वेरी ट्रू। अब मैम साहब जैसा मैंने इंट्रो में कहा अब आगे इंतखाबात सर पे खड़े हैं, 10 दिन है ऑलमोस्ट। आज बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा मैं तो नहीं कर सकता, जज्बाती थे ऑब्वियसली, अपनी माँ को वो शहीद करवा चुके हैं, उन्होंने कहा दो जमातों के कारकुन जख्मी हैं, शहादतें हुई हैं, इसमें मैं किस तरह पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं KPK जाऊँ इंतखाबी मुहिम के लिए, बलोचिस्तान जाऊँ इंतखाबी मुहिम के लिए? उन्होंने बिल्कुल साफ, खान साहब कह रहे हैं कि हम नहीं, ये किस तरह पॉसिबल है ये कि मैं जाके बनीगाला जाके बैठ जाऊँ, मैं तो 25 तक जो है भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाऊँगा और यही जवाब होगा दहशत गर्दों को कि हम सर तस्लीम खम नहीं करेंगे, हम खड़े होंगे। अब ये आप किसका पर्सपेक्टिव जो है वो समझ रहे हैं कि वो दुरुस्त है, इस वक्त ये मैसेज जाना चाहिए? देखिए बिलावल भी दुरुस्त है और खान साहब भी दुरुस्त हैं। ज़रा डिफाइन कर दीजिए, बिलावल किस हवाले से दुरुस्त हैं और खान साहब किस हवाले से दुरुस्त हैं? बिलावल को मालूम है कि वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन रहा और ना ही KPK से और बलूचिस्तान से को बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है, और खान साहब को नज़र आ रहा है कि अगर कोई आखिरी एफर्ट डालने वाला रह गया तो डाल दिया जाए। ये दोबारा खान साहब की ज़िंदगी में तो वक्त नहीं ना आना, खान साहब की एज प्लस 5 ईयर्स अगला इलेक्शन, तो फिर अगले इलेक्शन का इंतज़ार तो नहीं वो कर सकते। तो उनके लिए यही दुरुस्त है कि वो कैंपेन जारी रखें, और वैसे मैं ज़ाती तौर पर इसमें दोनों को ब्लेम नहीं कर रहा, इसलिए कि उस बच्चे ने जज्बात का इजहार किया है, उसके घर में शहादतें हुई हैं, और खान साहब ने जो बात की है ये एक रियलिटी है कि आपके मुल्क में कुछ भी हो रहा है आपने डरना नहीं है और घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है। अब ये जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जो ये वेव आई है वो सब जो शहादतें हो रही हैं, अब किस तरह पॉसिबल होगा ख़ास तौर पे KPK के अंदर, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम को चलाना? किस तरह कैंडिडेट जो है वो अपने वोटर के पास जाएगा, जो रैलीज़ हैं जो जलसे हैं वोटर किस तरह उसके अंदर आएगा? कल लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, इब्तदा में बड़ा सुकूत था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दुरानी साहब वाला वाक़या हुआ, फिर ये बलूचिस्तान वाला हो गया, तो ये खुदा ना खास्ता कोई एक आधा वाक़या इस तरह का पंजाब के अंदर हो जाता है तो
तो फिर क्या सूरतेहाल बने? देखिए, मैं तो बहुत अरसे से एक बात कह रहा हूँ कि तमाम मुख्तदर कुतों के एक टेबल पे बैठना चाहिए। तो मियाँ साहब को भी हम समझाते थे कि फ़ौज के साथ बना के रखें, उन्होंने भी नहीं बनाई, वो भी अपनी अपने आप में रहे। हम खान साहब को भी यही मशवरा देते रहते हैं कि आप सबके साथ बना के रखें। अगर ये बना के रखेंगे तो आप तवज्जो दे सकेंगे दुश्मन पे, अगर बना के नहीं रखेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर तीन चार बड़े लीडरों में से किसी एक का इसी तरह जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उनमें हादसा हो गया तो पाकिस्तान एक दूसरे के साथ सिविल वॉर में जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर इस दहशतगर्दी में इमरान खान, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, ये तीन लोग मैदान में हैं, इनमें से किसी एक को कुछ होता है, मुल्क में होने वाली खाना जंगी को नहीं रोक सकेंगे आप। क्योंकि ख़ास तौर पर खान साहब ने जिस तरह का ट्वीट किया है, इससे नून लीग वालों का दिल भड़के होंगे, और अगर उनके लीडर को कुछ होता है तो वो पीटीआई पे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। और एट द सेम टाइम अगर पीटीआई इस ट्वीट के बाद पीटीआई खान साहब को कुछ होता है तो पीटीआई वालों को नून लीग पे चढ़ने से नहीं कोई रोक सकेगा। बोथ केसेस इंतशार, और बिलावल को भी अगर कुछ होता है तो पीपल्स पार्टी के जियाले भी पंजाब में अब कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए तकरीबन, लेकिन सिंध तो अभी बड़ी ठीक ठाक तरीके से उनके पास है। आप क्या सिंध में इंतशार पैदा करना चाहते हैं? तो बेहतर है कि कौन से इल्ज़ाम लगाने हैं वो बैठ के तय कर लें, और बहुत अच्छा होगा सिर्फ प्रोफेशनलिज्म तक रहें कि इल्ज़ामात किसने प्रोग्रेस देनी है, कैसे देनी है, किसने प्रोग्रेस नहीं दी, क्यों नहीं दी तक महदूद रखें। ज़ातियात पर ना जाएं, ज़ाती ज़िंदगियों पर ना जाएं, और ये जो बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इनसे परहेज़ करें।